अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर ने राज की दादा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 13 मार्च 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है 38,700 डॉलर्स के ऊपर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कल की वीडियो के अंदर जो से मैंने सपोर्ट लेवल्स बताए थे आपको BTC के 38,700 डॉलर्स के बाद 38,300 डॉलर्स, आज के दिन भी BTC ने 38,300 डॉलर से दोबारा से बाउंस बैक किया है। और इस वक्त उसके जो सा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है वो मिनी रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है तकरीबन 39,300 डॉलर्स के ऊपर। एक तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि BTC जो सा है यहाँ पे 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ कर रहा है। और अब BTC की रेजिस्टेंस बनेगी तकरीबन 39,100 डॉलर्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेजेस। तो 21 मूविंग एवरेज की लाइन इस वक्त मौजूद है तकरीबन 39,100 डॉलर्स के ऊपर। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट भी ऑन करके दिखाता चलूँ BTC के ऊपर, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे BTC पिछले काफ़ी देर से 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के, जहाँ पे BTC की वैल्यू बनी है 39,300 डॉलर्स, 0.236 वाली गोल्डन रेशियो को एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ कर रहा है। तो एक तो 0.236 वाली गोल्डन रेशियो 39,300 डॉलर्स के ऊपर आ रही है, फिर इसके अलावा 21 मूविंग एवरेज की लाइन भी आ रही है, तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे BTC के लिए। और यहाँ पे जो मेजर अब सपोर्ट लेवल है BTC का वो है 38,300 डॉलर्स के ऊपर। तो इस वक्त जो सा कंसोलिडेशन लेवल बन रहा है BTC का वो बन रहा है 38,300 डॉलर से लेकर 39,300 डॉलर्स का लेवल, और इसी के लेवल के दरमियान में BTC यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो BTC 38,300 डॉलर्स के सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है और BTC की वैल्यू नीचे चली जाती है तो फिर BTC का सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पे, कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनेगी 37,500 डॉलर्स। और अगर 39,300 डॉलर्स के रेजिस्टेंस लेवल को BTC तोड़ता है तो फिर BTC का रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन 39,700 डॉलर्स, या मेजरली अगर आपको बताता चलूँ तो फिर BTC का यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन 40,200 डॉलर्स के ऊपर। तो इन्हीं लेवल्स के दरमियान में BTC अपग्रेड होता रहेगा। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगा दूँ तो ये ही है कंसोलिडेशन लेवल का, जिसके दरमियान में BTC यहाँ पे ट्रेड होता रहेगा अनटिल अनलेस BTC के अंदर एक डंप या पंप नहीं आता। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर BTC का चार्ट दिखाता चलूँ तो यहाँ पे एक पूरा जो है मैं आप लोगों को डायगोनल सपोर्ट लेवल लगा के दिखाता हूँ BTC के अंदर। तो अगर तो आप लोग देखें तो यहाँ पे BTC तकरीबन 21 जनवरी से लेकर अभी तक ये वाला जो सर डायगोनल सपोर्ट लेवल है इसी को होल्ड करके रखा हुआ है। और यहाँ पे करंटली BTC अगेन 22 जनवरी से लेके अभी तक यहाँ पे कंटिन्यूसली हायर लोज बना रहा है यहाँ पे BTC, और BTC ने इसी डायगोनल सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर तो BTC ये वाले डायगोनल सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखता है, मतलब कि यहाँ पे अगर BTC की वैल्यू नीचे भी आती है तो अगर 38,000 डॉलर से दोबारा से बाउंस बैक करती है BTC की वैल्यू तो वो फिर एक काफ़ी अच्छा साइन होगा। लेकिन अगर ये डायगोनल सपोर्ट लेवल को BTC तोड़ देता है और इस लेवल को ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करना शुरू कर देता है तो फिर अगेन हम लोग देखेंगे BTC की वैल्यू 34,800 डॉलर्स या 35,000 डॉलर्स के लेवल तक जाएगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि BTC इसी डायगोनल सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखे। और अगर इससे अबव ही रहती है BTC की वैल्यू डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, कोई भी कैंडल इससे नीचे बंद नहीं होती है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि BTC की वैल्यू इसका जो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है 44,500 डॉलर से लेकर 45,000 डॉलर्स का लेवल BTC को दोबारा टेस्ट करेगा और इसको डेफिनेटली तोड़ के अबव जाएगी BTC की वैल्यू। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए भी आप लोगों को इसके जो से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बता दिए हैं, तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने अगर तो ट्रेड लेनी है BTC के अंदर किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है BTC की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा बाकी चलते हैं आगे बात करते हैं ऐसे कोइंस के बारे में या ऐसे टोकन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं रियून के ऊपर, क्योंकि रियून के ऊपर काफ़ी सारे रिक्वेस्ट कर आ रही थी। तो एक तो अभी मैंने तकरीबन रिसेंटली ही रियून के ऊपर वीडियो बनाई है, और तब भी जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली होगी, और अगर आप लोगों ने होल्ड करके रखा होगा तो एक ही दिन के अंदर आप लोगों ने 28% तक का प्रॉफिट, और फिर इसके अलावा अभी तक भी आप लोग एक काफ़ी अच्छे प्रॉफिट के अंदर होंगे रियून के ऊपर से। और प्रीवियसली मैंने इसके ऊपर ये आप लोगों को एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न लगा के दिखाया था, मैंने आपको बताया था कि इसके यहाँ पे रियून की वैल्यू 5.22 डॉलर्स तक डेफिनेटली तौर पे जाएगी। तो वैसे ही हुआ है, रियून की वैल्यू 5.22 डॉलर से गई है। और अगर अब आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रियून 8 मार्च से लेके अभी तक कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोस बना रहे हैं।
तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का साइन दिखा रहा है यहाँ पे र्यून हम लोगों को। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम मूविंग एवरेज भी ऑन करके दिखाता चलूँ, तो र्यून इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू क्रिप्टो करेंसीज जो कि तमाम मूविंग एवरेज से अबव चल रहा है। और इस वक्त तमाम मूविंग एवरेजेस उसके अपने लेवल के ऊपर है, मतलब कि सबसे पहले 21 मूविंग एवरेज है, उसके नीचे 50 मूविंग एवरेज की लाइन है, उसके नीचे 100 मूविंग एवरेज की लाइन है, और लास्ट में 200 मूविंग एवरेज की लाइन। तो अगेन एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का रन दिखा रहा है र्यून हम लोगों को। वो करंटली उसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन 6.2 डॉलर के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 6.7 डॉलर के ऊपर। तो अगर तो र्यून यहाँ पे 6.2 डॉलर के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखता है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत राइट साइड बाई साइड रन दिखाने के बाद हम लोग देखेंगे दोबारा से एक अच्छा रन आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से बुल फ्लैग फॉर्मेशन कम्प्लीट हो रही है। अगेन बुल फ्लैग फॉर्मेशन 70% चांसेस होते हैं ब्रेकआउट के। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इसके अबव लेके जाया जा तो यहाँ पे र्यून की वैल्यू तकरीबन 7.6 डॉलर तक जा सकती है। तो पहले मैं कहूँगा कि यहाँ पे तकरीबन 7.5 डॉलर के तक र्यून की वैल्यू होगी, क्योंकि 7.5 डॉलर के ऊपर उसकी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनेगी। और अगर आप लोग प्रीवियसली भी देखें तो ये वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे ऑलरेडी काम करता रहा है यहाँ पे र्यून के लिए। तो 7.5 डॉलर तक दोबारा से वैल्यू यहाँ पे जा सकती है र्यून की, अगर तो र्यून ये वाला जो था अगेन सपोर्ट लेवल है 6.2 डॉलर का लेवल इसको होल्ड करके रखता है और इसे नीचे कोई भी कैंडल बंद नहीं करता। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एक्सिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बन रहा है र्यून के ऊपर तकरीबन 6.25 डॉलर के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 6.7 डॉलर के ऊपर, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 7.1 डॉलर के ऊपर। और अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को ये कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे चले जाती है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन 5.9 डॉलर के ऊपर। फिर आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा 6.18, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा 6.7 डॉलर्स के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग अपने ट्रेड लेंगे र्यून के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पे गाला के ऊपर। तो गाला के ऊपर भी कुछ रिक्वेस्ट कर रहा थी, अगर अभी देखें तो ये ट्रेड है तकरीबन 0.2235 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर भी अभी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई है, तो तब अगर आप लोगों ने मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी, तो उसके बाद आप लोगों ने 1 से 2 दिन के अंदर ही तकरीबन यहाँ पे 16% तक का एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लिया होगा गाला के ऊपर से। तो एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी जनरेटेड है यहाँ पे गाला के ऊपर। और अगर आप इसके सपोर्ट लेवल देखें तो करंट जो सपोर्ट लेवल बनेगा गाला का वो है 0.219 डॉलर्स के ऊपर, तो करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन 0.2339 डॉलर्स के ऊपर। और इसके अलावा जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये अभी वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है कि जब मैंने लास्ट टाइम इनके ऊपर वीडियो बनाई थी, अभी भी उन्हीं के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। और अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो सो फार गाला यहाँ पे 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पर यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। और करंटली अगर आप लोग देखें तो पहले 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पर यूज़ करते हुए अब जो करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, सो फार वो 50 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे चल रही है। तो अगर तो 21 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बने 0.221 डॉलर, यहाँ से गाला की वैल्यू बाउंस बैक करती है, तो डेट विल बी अ गुड साइन। देखेंगे कि इसकी जो सा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है 0.23 डॉलर का लेवल, यहाँ तक गाला की वैल्यू वापस जाएगी। लेकिन अगर ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन को होल्ड करके नहीं रखता, तो फिर हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यूज का जो सा ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 0.21 डॉलर के लेवल का, जिसको प्रीवियसली काफ़ी देर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यूज़ कर रहा है गाला, यहाँ तक गाला की वैल्यू वापस आएगी। और अब अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए यहाँ पे गाला के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, करंट जो अब रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो एक्जैक्टली 0.236 वाली गोल्डन रेशियो है। और अब क्योंकि 0.236 वाली गोल्डन रेशियो, फिर उसके बाद 100 मूविंग एवरेज की लाइन जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, तो अगेन ये वाला लेवल काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा अब गाला के लिए, और गाला की वैल्यू 0.21 डॉलर तक अगेन वापस आ सकती है। तो अब अगर मैं आप लोगों को एंट्री एक्सिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा गाला के ऊपर 0.22 डॉलर्स के ऊपर, और आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा 0.23। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं कुछ दिनों तक, तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा 0.245 डॉलर्स के ऊपर। और अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को ये कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन 0.21 डॉलर्स के ऊपर। उसके बाद आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है 0.218, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा 0.233 डॉलर्स के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग गाला के ऊपर अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। तो
और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सैंड के ऊपर। तो सैंड अगर अभी आप देखें तो ट्रेड हुआ तकरीबन 2.79 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है सैंड का वो बन रहा है तकरीबन 2.9 डॉलर्स के ऊपर, और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है यहाँ पर तकरीबन 3 डॉलर्स के ऊपर। करंट जो सपोर्ट लेवल है सैंड का वो है तकरीबन 2.765 डॉलर्स के ऊपर, और फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन 2.66 डॉलर्स के ऊपर। और अगर 2.66 डॉलर्स के सपोर्ट लेवल को सैंड यहाँ पे तोड़ देता है और सैंड की वैल्यू इससे भी नीचे चले जाती है, तो फिर इसके बाद के अगर सपोर्ट लेवल्स मैं आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ तो फिर 2.5, और फिर उसके बाद का सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन 2.36 डॉलर्स के ऊपर। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर सैंड। और प्रीवियसली भी जब मैंने सैंड के ऊपर वीडियो बनाई थी तो यहाँ पे हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे, तो अगर तो आप लोगों ने मेरे बताया सेकेंड एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी, और अगर आप लोगों ने होल्ड करके रखा होगा तो 8% तक का प्रॉफिट, और फिर इसके अलावा 12% तक का भी प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा चंद ही दिन के अंदर सैंड के ऊपर से। और सैंड अगर अब आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तकरीबन 2 मार्च से लेकर अभी तक सैंड भी यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम रेजिस्टेंस लेवल लगा के दिखाता चलूँ सैंड का, तो इस लेवल को यहाँ पे सैंड एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं ये वाले डायग्राम लाइन को। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा सैंड के लिए कि वो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल अपने इस डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद करे, इससे अबव बंद करेगा और इस लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करेगा, तो फिर हम लोग देखेंगे सैंड की वैल्यू 3 डॉलर्स तक डेफिनेटली तौर पर वापस जाएगी। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कंसोलिडेशन के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ 1 मिनट, ताकि हम लोगों को यहाँ पर कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे तकरीबन आप लोग देख सकते हैं इसका जैसा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन तकरीबन 0.236 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर आ रहा है, और फिर इसके अलावा 0.32 और फिर 0.38 वाली गोल्डन रेशोज़ के ऊपर आ रहे हैं रेजिस्टेंस लेवल्स। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम रेजिस्टेंस लेवल, फिर उसके बाद 2.9 डॉलर्स के ऊपर, और फिर उसके बाद उसका जैसा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है तकरीबन 3 डॉलर्स का लेवल। ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस बनेंगे यहाँ पे सैंड के लिए। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में पता चलूँ तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का मिल रहा है सैंड के ऊपर तकरीबन 2.7 डॉलर्स के ऊपर, और आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 2.87, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा 3 डॉलर्स के ऊपर। और अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को सैंड कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है तकरीबन 2.67 डॉलर्स के ऊपर, पहला एक्सिट टारगेट 2.75, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन 2.87 डॉलर्स के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे सैंड के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं CHR मतलब क्रोमिया के ऊपर, जिसकी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी, और ये मेरी पहली वीडियो है CHR के ऊपर। तो CHR अगर भी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ तकरीबन 0.356 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले लेकिन इसके भी मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगा लेता हूँ, ताकि बाद में इजीली एनालिसिस जो है वो मैं कर सकूँ यहाँ पे CHR के ऊपर। तो ये वाले लेवल्स ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे CHR के लिए। फिर उसके बाद तकरीबन ये वाला लेवल बनेगा रेजिस्टेंस के तौर पे तकरीबन 0.48 डॉलर्स का लेवल, और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन 0.5 डॉलर्स के ऊपर। और अगर 0.32 डॉलर्स का जो सा मेजर सपोर्ट लेवल है यहाँ पे CHR का, अगर CHR उसको भी तोड़ देता है और 0.32 डॉलर से भी नीचे चली जाती है यहाँ पे CHR की वैल्यू, तो फिर उसका सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन 0.3 डॉलर्स के ऊपर। साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी बनता है ये वाला, और वैसे भी ये ऐसा सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है, और फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन 0.28 डॉलर्स के ऊपर। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर CHR इन मीडियम शॉर्ट टर्म। अब अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह तमाम मूविंग एवरेज से नीचे है, और 21 मूविंग एवरेज की लाइन को ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है, और 21 मूविंग एवरेज की लाइन जहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है 0.365 डॉलर्स, वो वाला लेवल अब काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा CHR के लिए। और अब अगर इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए CHR के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं करंट जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो एक्जैक्टली 0.236 वाली गोल्डन रेशियो है, फिर अगले रेजिस्टेंस लेवल भी
जितनी गोल्डन इश्यूज है उन्हीं के ऊपर आ रहे हैं, तो करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो तो काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, क्योंकि 0.236 वाली गोल्डन इशू है। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनना तकरीबन 0.352 डॉलर्स के ऊपर, और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 0.37 डॉलर्स, और अगर आप लोग होल्ड करके रखते हैं तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 0.39 डॉलर्स के ऊपर। उसके अलावा अगर ये वाला सपोर्ट लेवल को सीएचआर कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे चले जाती है, तो फिर सबसे पहले स्टॉप लॉस आप लोग यूज़ करेंगे 0.338 डॉलर्स के ऊपर, और री एंट्री आप लोग लेंगे तकरीबन 0.325 डॉलर्स के ऊपर। फिर आपका पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा 0.35, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 0.376 डॉलर्स के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग अपनी ट्रेड लेंगे सीएचआर के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा बाकी चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं एवेक्स मतलब कि एवलॉन्च के ऊपर। तो एवलॉन्च अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ तकरीबन 70.4 डॉलर्स के ऊपर, और इसके अलावा प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो तब हमारे एक टारगेट्स हिट हुआ था। तो अगर तो आप लोगों ने मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी, और अगर आप लोगों ने होल्ड करके रखा होगा तो 10% तक का प्रॉफिट बहुत ईजीली आप लोगों ने जनरेट किया होगा यहाँ पे एवेक्स के ऊपर। और उसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल अगर अभी आपने देखे तो वो बन रहे तकरीबन 72.7 डॉलर्स के ऊपर, और अगले रेजिस्टेंस लेवल पर कहता चलूँ तो वो है 74.6, और फिर उसके बाद का एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन 76.3 डॉलर्स के ऊपर, क्योंकि प्रीवियसली वाला लेवल ऐसा सपोर्ट के तौर पर, और जब उसकी एवेक्स की वैल्यू से नीचे है तो तब ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है तकरीबन 70.6 डॉलर्स का लेवल। करंट जो सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन 70.5 डॉलर्स के ऊपर, और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो सोफा जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो 70.5 डॉलर से नीचे चल रही है। और फिर उसके बाद क्या अगर सपोर्ट लेवल्स में आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ तो फिर इसके सपोर्ट लेवल्स बनेंगे सबसे पहले तकरीबन 68 डॉलर्स के ऊपर, क्योंकि प्रीवियसली एज अ रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट के तौर पर काम करता रहा ये वाला लेवल। और फिर उसकी मेजर सपोर्ट बनेगी तकरीबन 65.9 डॉलर्स के ऊपर, और अगर इससे भी नीचे चले जाती है यहाँ पे एवेक्स की वैल्यू तो फिर उसके बाद तकरीबन 61 डॉलर्स का लेवल वो वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा एवेक्स के लिए। और एवेक्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तकरीबन 9 मार्च से लेकर अभी तक ये भी कंटिन्यूसली लोअर हाईस एंड लोअर लोस बना रहा है लाइन फॉर्मेशन के अंदर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और लास्ट जो लोअर हाई बनाया है अब एवेक्स ने वो बनाया तकरीबन 71.8 डॉलर्स के ऊपर। तो अगर तो 71.8 डॉलर से जब तक 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 2 कैंडल अबव बंद नहीं होती हैं तब तक ट्रेंड रिवर्सल कन्फर्म नहीं है, और एवेक्स की वैल्यू को हम लोग थोड़ा बहुत और भी नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह तमाम मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, और सो फॉर 21 मूविंग एवरेज के लिए इसका जो सही अला हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन 72.7 डॉलर्स का लेवल तकरीबन उसके ऊपर आ रही है। तो 72 डॉलर्स का लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है एवेक्स के लिए। तो अब एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो 70.5 डॉलर से अबव बंद करता है तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे तकरीबन 70.7 डॉलर्स के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा 72.6, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा 74.4 डॉलर्स के ऊपर। और अगर ये वाली जो सी करंट कैंडल है वो 70.5 डॉलर से अबव बंद नहीं करता और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है यहाँ पर तकरीबन 66 डॉलर्स के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 70.3, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 74 डॉलर्स के ऊपर। और उसके अलावा ओवरऑल भी अगर आप देखें तो फंडामेंटली एवेक्स एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, एवलॉन्च पूरी ब्लॉकचेन है और प्रॉपरली ये लोग काम कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये वाला प्रोजेक्ट आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंडेड है। आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रखना चाहते हैं तो होल्ड करके रख सकते हैं। और इसके अलावा आज के लिए यही कॉइन्स और टोकन्स, कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किंग कॉइन्स के बारे में बताऊं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।